41 साल बड़ा लंबा वक्त होता है। इतने में एक पूरी पीढ़ी जवान होकर बूढ़ी होने लगती है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के हर सदस्य को उस लम्हे का बेसब्री से इंतजार था जब वो ओलंपिक में मेडल जीते। 41 साल की वह आस पूरी हो चुकी है। टोक्यो ओलंपिक में फील्ड हॉकी का ब्रॉन्ज मेडल भारत का हुआ है। जीत होते ही मैदान भारतीय खेमा जहाँ जश्न में डूब गया, वहीं जर्मनी के खिलाड़ी मायूस होकर वहीं बैठ गए। जर्मनी ने कड़ी टक्कर दी मगर भारतीय टीम उस पर भारी पड़ी है। भारत ने 5-4 से मुकाबला जीता है। आपको बता दें कि 1980 मॉस्को ओलंपिक में भारत ने आखिरी बार फील्ड हॉकी में कोई मेडल जीता था। वहां से टोक्यो तक के सफर में टीम ने कई नाकामियां भी सही हैं। बीजिंग ओलंपिक में तो भारत क्वालिफाई भी नहीं हो पाया था। इतिहास भारत के पक्ष में नहीं था, लेकिन इस बार बाजी भारत के पक्ष में रही है और ब्रॉन्ज मेडल भारत में आया है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।